नमस्कार, आप देख रहे हैं AIN न्यूज। इस वक्त की खबर हम आपको महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से बता रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रविवार को देर रात बाद मध्यम तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इस अचानक भूकंप के झटके रात में करीब 2:30 बजे महसूस किए गए। जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब लोगों ने भी झटके महसूस किए। वहीं आपको बता दें, कई लोगों को झटका इतना तेज महसूस हुआ कि वह उठकर बदहवास हो बाहर की ओर भाग आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है और यह मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले में 5 किलोमीटर की गहराई पर आया। वहीं केंद्र के प्रमुख ने बताया कि भूकंप देर रात के बाद 2:30 पर महसूस किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान जान माल के नुकसान की अभी कोई खबर सामने नहीं आई है, यानी इस भूकंप के झटके में कोई हताहत नहीं हुआ है। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ये खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से सामने आ रही है, जहां रात के 2:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जल्दी भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन खबरों की वजह से लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है और ऐसा डर लोगों में बैठा हुआ है कि क्या आने वाले समय में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है और दिल्ली में इस वक्त कई बार ऐसे मौसम में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो ऐसे में लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल मच गया जब रात को 2:30 बजे रत्नागिरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए AIN न्यूज।